हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट आ रही है भारत की नवरत्न कंपनी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर CTC 6 लाख रुपीज साल का यहाँ पर आपका पैकेज होने वाला है। परमानेंट रेगुलर जॉब ये होने वाली है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स ऑल ओवर इंडिया से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी है, इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक चीज, हर एक डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो में दिल से प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फ्रेशर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर परमानेंट रेगुलर जॉब निकली हुई है। वैकेंसी का नाम है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी है। सिलेक्शन होता है तो आपका पैकेज बहुत बढ़िया, 6 लाख रुपीज साल का यहाँ पर पैकेज होने वाला है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी है। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूं, आप वहां जाकर डिटेल्स इसके बारे में बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, परमानेंट रेगुलर जॉब है, 6.11 लाख CTC है। यहाँ पर फाइनल ईयर अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60% के साथ आप पास आउट हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा ITI बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 50 से ज्यादा वैकेंसी है। सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो डिटेल्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है आपने 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 14 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 10 है, इलेक्ट्रिकल में सिंगल है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टोटल वैकेंसी में से 13 जो है वो अनरिजर्व में है। जैसा कि मैंने बताया, 6.11 लाख ये सालाना आपका CTC होने वाला है। पे स्केल 24,500 से 90,000 यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 10th प्लस ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिक की 17 वैकेंसी है, फिटर की 3 है, मशीनिस्ट की 6 है, वेल्डर की सिंगल वैकेंसी, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अनरिजर्व में 13 पोस्ट है। यहाँ पर CTC 5.36 लाख का होने वाला है, 21,500 से यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर एज इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, तो पहले आपका 6 महीनों की 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उस दौरान आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। उसके बाद ग्रेडुएशन टेस्ट आप पास करेंगे, उसके बाद आपकी रेगुलर जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें यह टॉप में ही साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 28 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 1/1/2021 तक उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेक्नीशियन के लिए भी 28 ईयर्स ही एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC को, SC ST को, यह हमें बता दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया, 60% के साथ अगर आप पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट है, ITI पास आउट है, प्लस 1 साल की ITI के बाद अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा, खाली डिप्लोमा पास आउट वाले इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होने का है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो है 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा और जिसका आपको थोड़ा टॉपिक्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा टेक्निकल एप्टीट्यूड यानी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होने वाला है, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन एक सिंगल मार्क का रहेगा, तो 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35% दोनों में ही लाने पड़ेंगे, उसके ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, तो ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग बोला गया, लेकिन आपको टॉप में रहना पड़ेगा अगर आप इसके लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। अगर आप इसके रिटर्न टेस्ट में जो आपका रैंकिंग बनेगा उसमें टॉप में रहेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, 35% बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पे 300 रुपीज रखी गई है जनरल वालों के लिए, इसके अलावा SC ST के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है, फ्री है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। फॉर्म भरने की आखिरी डेट यहाँ पर 3/2/2021
होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना, भाई से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।